तो कुछ दिन पहले जो तस्वीरें हमने आपने देखी वो तस्वीरें ऐसी थी कि हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कैसे ये तस्वीर बदली और कैसे इस खतरे से उत्तर प्रदेश ने पार पाया और जिस चेहरे ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई उन्हीं से हम सीधे आपको मिलवाते हैं। अवनीश अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहला सर सवाल आपसे यही जी, नमस्कार, कि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बहुत ज्यादा थी, अब कमी आई है, इस कोरोना कर्फ्यू का कितना असर हुआ, ये कितना कारगर साबित हुआ जिसका फैसला आप लोगों ने लिया था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल को टीम लाइन में हम लोगों सबको निर्देशित किया कि कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लागू होगा। ये कर्फ्यू इस प्रकार का होगा कि गैर जरूरी कोई मूवमेंट ना हो, लोग अपने घर में रहें, कहीं अनावश्यक बाहर ना निकलें, लेकिन जो जरूरी कार्य है जैसे उद्योग हैं, जैसे जो है आवश्यक सेवाएं हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, ये केवल खुलेंगे और गैर जरूरी सब कुछ जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बंद रहेगा। वो कर्फ्यू के रूप में लोग कोशिश ये होगी कि अपने आप उसका पालन करें। इसी कड़ी में आपने देखा कि 30 तारीख से लगातार कोरोना कर्फ्यू जो है आंशिक कोरोना कर्फ्यू हमारी प्रदेश सरकार में लागू है। मुख्यमंत्री जी का ये मार्गदर्शन है कि एक ओर हम गैर जरूरी कार्यों को होने न दें और दूसरी ओर जो बहुत जरूरी कार्य है, उद्योग है, आर्थिक जो हमारी बेसिक जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर प्रभाव भी ना पड़े। इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 24 तारीख तक यानी आज 21 तारीख है तो अब तक 21 दिन तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू विभिन्न शर्तों के अधीन हमारे प्रदेश में लागू हुआ है। कृषि कार्य भी प्रभावित नहीं हुआ, जो गेहूं खरीद है वो प्रभावित नहीं हुआ, फर्टिलाइज़र और सीड्स का वितरण होता रहा है, फर्टिलाइज़र के इम्प्लीमेंट्स भी जो है जारी रहे, उद्योग जहाँ पर है वीकली बंदी के अलावा वो भी अपना जाता रहा, जो उद्योग में कामगार हैं वो भी आते जाते रहे, हमारा जो रोडवेज है जो एक निर्धारित SOP है उसके अनुरूप प्रदेश में रोडवेज की बसेस भी चलती रही, तो पूरा व्यवस्था भी चली और कर्फ्यू भी लागू हुआ। और आपने देखा कि कहाँ 35-36 हज़ार से अब 6-7 हज़ार तक नए केसेस पर डे आए हैं। अगर आप देखें तो लगातार आप मैप को अगर देखेंगे, हमारे ग्राफ को देखेंगे तो लगातार कमी दिखाई दे रही है और एकदम से इसको जो है ऊपर देखिएगा, ऊपर दिखाई उधर जो बेल कर्व है हमारा वो एकदम से दिखा रहा है कि जो नए केस हैं उसमें शार्प ड्रॉप आया है और जो न्यू डेथ्स हैं पर डे उसमें भी काफ़ी हद तक जो है कमी आती जा रही है। बिल्कुल, तो सर जिस तरीके के इस प्लानिंग के साथ अच्छे परिणाम मिले हैं तो क्या 24 मई के बाद भी जो एक व्यवस्थित ढंग से कोरोना कर्फ्यू है वो लागू रह सकता है, इस पर आप लोग फैसला कर सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जब 24 तारीख तक वो पहुंचेंगे तब टीम लाइन में सभी इनपुट्स को लेकर सभी जो हमारे क्षेत्र हैं उनका समीक्षा करते हुए एक निर्णय तभी लिया जाएगा परिस्थिति के अनुसार, कितना हमारा कम हुआ है, क्या हमें एक्शन लेना जरूरी है। तो अभी तो हम 21 तारीख में हैं, अभी लगातार उन्होंने पुलिस को, जो हमारे मैजिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, DMs हैं, SPs हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि गैर जरूरी कोई भी कार्य ना हो, आंशिक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो, मंडियाँ जो हैं जो सुबह सुबह खुलती हैं उनको दूर दूर तक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको खुलवाया जाए, तो इस तरह के सभी आदेश को किया गया है। स्कूल्स के लिए केवल ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है तो अब स्कूल्स में भी जो है बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो लेकिन घर से वो पढ़ सकें, ये व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत अच्छा मिश्रण है, एक बहुत अच्छा एक मॉडल है जिसमें एक ओर जरूरी सब काम भी हो रहे हैं और दूसरी ओर कोरोना को लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर्फ्यू के माध्यम से लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए हिदायत देकर उनको जो है प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल, एक जिस तरीके से प्लानिंग की और खासतौर से आपकी दूरदर्शिता की तारीफ केवल प्रदेश ही नहीं देश में भी हो रही, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। सवाल सर एक और भी है कि कोरोना कर्फ्यू खत्म होने की जब स्थिति बनेगी, जब अनलॉक का प्रोसेस शुरू होगा तो सारी गतिविधियों को एक साथ खोला जाएगा या फिर कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शन रहेगी, धीरे धीरे जीवन को, जान और जहान को सुचारू रूप से लाने की कोशिश होगी?
देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की तारीख तक लगभग 45 से 50 जनपदों में स्वयं शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव-गांव जाकर खुद जमीनी स्तर पर रिव्यू किया है। अब वो हर चीज़ पर बहुत ही क्लोज नज़र रखते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी एक कमेटी बनी है, उनकी भी एडवाइस वो हमारे अधिकारियों को और अपने लिए जो है उनकी मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस लेते हैं। तो जो जमीनी परिस्थिति होगी, जो नंबर ऑफ केसेस होंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो राय होगी और जो हमारे तरफ से फीडबैक पूरे प्रदेश का आएगा, उसी के आधार पर जो है आगे कार्रवाई होगी। क्या जो है अलाउ होगा, क्या नहीं अलाउ होगा, ये बहुत सोच समझ के किया जाएगा, जिससे जो ब्रॉड पिक्चर है कोरोना को पूरी तरह से सेकेंड वेव में ख़त्म करने का, इस पर जो है नज़र रखी जाएगी। सब प्राइम कंसर्न ये होगा कि कोरोना हमारा कम हो। दो चीज़ों पर मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, आपने पिछली बार देखा होगा ऑक्सीजन के वितरण में उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, जहाँ 1000 मेट्रिक टन तक हम ऑक्सीजन दे रहे थे। अब चूंकि केसेस भी कम आ गए हैं, अस्पतालों में L2 और L3 में भी केसेस काफ़ी घट गए हैं, तो हमारी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था ऐसी है कि हमने मेडिकल कॉलेजेस में 2 दिन से ज़्यादा की ऑक्सीजन अब दे दी है। हमने जो हमारे रिफिलर्स हैं, यानी ग्राउंड पर जहां हमारे लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं, उनके पास भी जो है लगभग 2 दिन की ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी है। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कहीं भी किसी भी जनपद के किसी भी कोने में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र क्यों ना हो, ऑक्सीजन की किसी भी रूप में कमी ना हो। बिल्कुल सर, जिस तरीके से पूरी मुहिम चल रही है, जिस तरीके से उसको आप लीड कर रहे हैं, जनता की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन में किया। तो अगर हम कार्रवाई की बात करें, तो ऐसे लगभग कितने लोग हैं जिनके खिलाफ प्रदेश में कार्रवाई की गई, कितने चालान हुए, ताकि लोग नियमों को माने, अगर जहां पर सख्ती की जरूरत है? देखिए संख्या, देखिए काफी समय से ये कार्रवाई यूपी पुलिस द्वारा और हमारे मैजिस्ट्रेट्स द्वारा की जा रही है। कोशिश हमारी यही है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का सुनिश्चित करें। आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक शादी ब्याह जो है उसको भी अलाउ किया हुआ था, लोगों की जो है ये आवश्यक, उनके लिए एक आवश्यकता होती है कि जहाँ शादी ब्याह हो वो अलाउ कर दिया जाए। पहले 50 और 100 लोगों के लिए बंद कमरे में 50 और फिर खुले में 100 लोगों के लिए अलाउड था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक समय में 25 लोगों तक ही सीमित कर दिया जाए, जिससे काम भी हो जाए और अनावश्यक जो है किसी रूप में जो है डिजीज़ का स्प्रेड ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय था और जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। एक दो बिंदु पर मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा। एक, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया ही था, ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए भी हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम IIT कानपुर ने, IIM लखनऊ ने, MNIT ने, गोरखपुर के हमारे विश्वविद्यालय ने, हमारे ITBHU ने, HBTU ने और विशेष रूप से हमारा AKTU जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने किया है, उसका भी एक रिजल्ट मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से जो काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं 15 से 20% तक बचत जो है ऑक्सीजन की, हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और सरकारी, सब में काम हुआ है। तो IIT कानपुर के लीडरशिप में ये ऑक्सीजन कंजम्पशन अक्रॉस द स्टेट पर भी बहुत मजबूत काम जो है प्रदेश में किया गया है और इस पर भी फर्क पड़ा है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से फर्क पड़ा है और बीते 15-20 दिनों से अब का अंतर हम करें कि कहाँ 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आते थे, अब 6,000 के आसपास आ गए, ऐसे में उम्मीद हम कर सकते हैं कि बहुत जल्दी स्थितियाँ सामान्य होंगी। कोरोना कर्फ्यू सर जब हटेगा तो एक साथ भीड़ भी आएगी, ऐसे में उस भीड़ पर नियंत्रण की क्या तैयारी है? क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने यही गलती की कि स्थितियाँ जब संभली तो लोग बेफिक्र हो गए, मास्क लगाना बंद कर दिया और हम दूसरी लहर में फंसे आकर। देखिए अब काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि पब्लिक में जन जन में बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे वो जवान लोग हैं, सब में एक तरह से अवेयरनेस आ गई है। गैर जरूरी मूवमेंट, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यंग बच्चे हैं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनका मूवमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। केवल जहाँ पर कोई आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको ही, जहाँ आवश्यकता हो वही मूवमेंट हो। अगर
संभव हो तो वर्क टू होम पर किया जाए। तो इस मॉडल पर उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से काम हो रहा है। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कोरोना के बावजूद भी हुआ है। इसको, इस मॉडल को माननीय मुख्यमंत्री जी आगे भी जारी रखेंगे, तो इसमें जब भी कोरोना के बारे में आगे चर्चा होगी या आगे निर्णय होगा, वो स्वयं हर चीज़ को देखते हुए, फील्ड की पोजीशन उन्होंने स्वयं अपने आँख से देखी है, उसको समझते हुए, एक्सपर्ट्स जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेते हुए निर्णय लेंगे। हमारा टीम 9 जो है डेली जो उनकी अध्यक्षता में निर्णय लेता है उसके स्तर पर, और बाकी सभी हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के स्तर पर उस पर निर्णय लेंगे। जी सर, कोरोना कर्फ्यू की तीसरी लहर की बात भी अब आ रही है, इसके लिए किस तरीके से आप लोग तैयार हैं और निपटने का हथियार क्या कोरोना कर्फ्यू ही होगा या फिर उसके बाद एडिशनल तैयारियां भी चल रही हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए? देखिए, तीसरी लहर से निपटने के लिए यदि ऐसी लहर आती है तो पहली बात तो हमको सेल्फ, प्रदेश को सेल्फ सस्टेनिंग ऑक्सीजन में होना चाहिए। उन्होंने एक पूरी व्यवस्था बनाई है कि हर आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के प्लांट्स, ऑक्सीजन स्टोर करने की व्यवस्था ये सुनिश्चित की जाए। पीएम केयर फंड से भी जो है हमारे प्लांट्स लग रहे हैं, हमारी जो स्टेट की SDRF है उसके फंड से भी प्लांट्स लग रहे हैं, CSR के अंतर्गत यानी कंपनी से जो है सहयोग लेकर वहाँ भी प्लांट्स पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, साथ ही साथ चीनी मिल का भी सहयोग लेकर वो भी अपने क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हर तरह से नए ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन की व्यवस्था स्वयं ही अपने अस्पताल जो है सुनिश्चित कर लेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में यदि ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है तो वो आत्मनिर्भर होंगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से CHCs और PHCs में नए बेड्स जो है ऑक्सीजन युक्त बेड्स और उसमें जो वेंटिलेटर्स हैं उसकी व्यवस्था, एनेस्थेटिस्ट की व्यवस्था, ये भी सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी डेली इसको मॉनिटर करके, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, हमारे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने कमिटीज़ बना रखी हैं जो एक एक जनपद में एक एक वेंटिलेटर का उपयोग हो रहा है कि नहीं ये सुनिश्चित करा रहे हैं, और इसमें भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो एक और ऑक्सीजन की व्यवस्था, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र और विशेष रूप से CHCs और PHCs में बेड्स की व्यवस्था, दवा की उपलब्धता, दवा की अब रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता हमारे प्रदेश में हो गई है, तो हर चीज़ को सुनिश्चित करते हुए, हर नए चैलेंज के लिए मेडिकल एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दिलाते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने एक एक चीज़ पर जो है निर्णय कराया है, और वर्किंग प्लान अगर कभी थर्ड वेव आती है तो मजबूती से इस पर कार्य होगा। जी बिल्कुल अवनीश जी, एक नई चुनौती ब्लैक फंगस की आ गई, हालांकि सरकार ने इसके बचाव के लिए फ्री इलाज की घोषणा करके जनता को बड़ी राहत दी है, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए सरकार की रणनीति क्या है और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी 3 दिन पहले ही ब्लैक फंगस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको निर्देशित किया हेल्थ डिपार्टमेंट को, इसके लिए विशेष रूप से एक आदेश इसको नोटिफाई करा दें। दूसरा, ब्लैक फंगस की ट्रेनिंग सभी हमारे डॉक्टर्स को अक्रॉस दी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, PGI के हमारे जो डायरेक्टर हैं, VC जो हमारे KGMU की यूनिवर्सिटी के हैं, इन सभी लोगों को जोड़कर ब्लैक फंगस के बारे में विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दिलाई है। ब्लैक फंगस के लिए जो दवा है Amphotericin B, इसकी व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। कमिश्नर्स और जिला मजिस्ट्रेटों को इसकी कमान दी गई है दवा के वितरण के लिए, जिससे जहां ज़रूरत हो वहां दिया जाए। ब्लैक फंगस के बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो हमारे स्टेरॉइड्स हैं इसके यूज़ के कारण और कहीं हद तक कभी कभी जो है ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है उसमें जो है कभी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से आता है, तो इस पर भी सभी अस्पतालों में जो उनकी पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था है और उनका जो मेडिकल प्रोटोकॉल है इस पर रिव्यू किया गया है, जिससे ब्लैक फंगस के खिलाफ भी मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी जा सके, और इसकी जो दवा की व्यवस्था है उपलब्धता इसको दिनों दिन बढ़ाकर जहां आवश्यकता है ब्लैक फंगस की दवा संबंधित रोगियों को सीधे बाई नेम पेशेंट के नाम से लिखत पढ़त में हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, कमिश्नर्स और DMs के द्वारा दी जा रही है।
बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने एक बड़ा ड्राइव चलाया, निगरानी समितियां बनी, किस तरीके से कम समय में हुआ कि 90,000 से ज़्यादा गांव में आप लोग पहुंचे, और आगे की प्लानिंग क्या है ग्रामीण क्षेत्रों से कोरोना को हटाने और मिटाने के लिए? देखिए, निगरानी समितियों के बारे में ये यूपी का मॉडल है, जहाँ शुरू से पहले चरण से ही हर गांव में निगरानी समिति को गठित किया गया, जिसमें समाज के गांव के वहां प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा गया। हम में अभी मुख्यमंत्री जी ने खुद ही एक एग्जाम्पल दिया, एक गांव में वो गए थे जहां एक व्यक्ति जो है बाहर से, प्रदेश से बाहर से लौटा था, हमारा श्रमिक, हमारा जो है माइग्रेंट वर्कर, और उसके घर में रहने की जगह नहीं थी, तो वहाँ लेडी ग्राम प्रधान थी। लेडी ग्राम प्रधान ने अपने एक पंचायत भवन में उसके रुकने की व्यवस्था कराई, और प्रतिदिन जो है ये जो लेडी हमारी ग्राम प्रधान थी उनको खाना भी सुबह शाम दिलाती थी। तो ये गांव में तो बहुत मजबूती से काम कर रहा है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ निगरानी समिति मजबूती से काम कर रही है, गांव में लोगों को आइसोलेट करके आगे इन्फेक्शन ना फैले, ये काम सुनिश्चित किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा हर गाँव में मेडिकल किट जो लोग होम आइसोलेशन में है उनको दिया जा रहा है, और उसको स्वास्थ्य विभाग मॉनिटर कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त आदेश दिया है कि मेडिकल किट हर हालत में दिया जाए। मेडिकल किट अब तक 94-95% लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में थे उनको दे दिया गया है, और साथ ही जो सीएम हेल्पलाइन है उसके माध्यम से होम आइसोलेशन के जो लोग हैं उनको फ़ोन करके उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 40,000 लोगों से फीडबैक लिया जाता है, जिसका प्रभाव पड़ता है, जहाँ कुछ कमी होती है उसको फिर दूर किया जाता है। आपको मालूम है कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सीनियर ऑफिशियल्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है, जिनको गांव-गांव जाकर देखने के लिए जो है फॉलोअप किया है। अभी कल ही जो है इसकी बैठक वीसी के माध्यम से नोडल ऑफिसर्स की माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, और एक एक नोडल ऑफिसर से पूछकर ग्रामीण क्षेत्रों में वो गए और उन्होंने उसको फॉलोअप किया और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को सुधार किया, इसकी जो है फॉलोअप किया गया। धन्यवाद सर एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि महामारी के दौर में किस तरीके से सरकार काम कर रही है और आप काम कर रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो सबसे भरोसेमंद चेहरा है सरकार का वो अवनीश अवस्थी है। तो अवनीश अवस्थी जी ने आपको बताया कि कैसे कोरोना से प्रदेश निपट रहा है और कैसे आने वाली रणनीतियों के लिए, आगे वाली चुनौतियों के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।